नमस्कार मैं अंजलि मिश्रा स्वागत है आप सभी का द न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 घंटे से ज्यादा समय से अब लापता है जी हाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता है ईडी और दिल्ली पुलिस लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है और इसी बीच ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बहुत महंगी गाड़ी बीएमडब्ल्यू जो है जब्त कर ली गई है साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि हेमंत सोरेन को खोज कर निकालिए हेमंत सोरेन हमें चाहिए जिसके बाद आपको बता दें लगातार का दौर भी काम करती नजर आ रही है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुरी तरह से घिरते नजर आ रही है ईडी की टीम सोमवार को सोरेन के दिल्ली के शांति निकेतन में स्थित घर सहित तीन ठिकानों पर सुबह सात बजे छापेमारी सा शुरू की जो देर रात तक चली ईडी की टीम को यहाँ सोरेन तो नहीं मिले लेकिन जाते वक्त टीम उनकी बी कार अपने साथ ले गई जिस कार को ईडी ने जब्त किया वो यानी हरियाणा नंबर की है एहतियात बरतते हुए ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को लेकर एयरपोर्ट पर भी अलर्ट भेज दिया है इस बीच यह जानकारी भी सामने आ रही है कि सत्ता पक्ष गठबंधन के विधायकों को अपने बैग और सामान के साथ रांची में एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया है कांग्रेस के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंच रही है इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी बड़ा दावा कर दिया है और साथ ही साथ हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन के सातु और कांग्रेस के साथ के के सहयोगी विधायकों को सामान और बैग साथ रांची बुलाया है उन्होंने आगे कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया है मुख्यमंत्री ने सूचना दी है की ईडी की पूछताछ के डर से वे सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे दिन पहले दिल्ली

रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं बीजेपी नेता दीपक प्रकाश जी का क्या कुछ कहना है जरा एक बार सुन लीजिए एक मुख्यमंत्री झारखंड का फरार है लापता है और इसलिए लापता है फरार है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया था अपने परिवार और अपने लिए अकूत संपत्ति जमा करने की नीयत और नीति उनकी बनी हुई थी और जब जांच एजेंसियां उन पर जांच करने के लिए उनको लगातार बुलाने का काम कर रही है तो भागते चल रहे हैं भागते चल रहे हैं और भागते चले जा रहे हैं जाँच एजेंसियों के सामने नहीं आएंगे आपको लगातार समन देने के बावजूद आप उनका आदर नहीं करेंगे अनादर करेंगे संवैधानिक पद पर बैठ के संवैधानिक मर्यादा और कानून को तोड़ने का काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है तो जैसा कि आपने सुना उन्होंने साफ तौर तो पर, पर कहा कि भागते हुए हैं भाग कर कुछ मिलने वाला नहीं है पूरा जन्म जो है पूरी जिंदगी जो है उन्होंने वो अपने परिवार के लिए कमाने में लगा दी है और उन्होंने कहा कि बात बात पर संविधान की दुहाई देते थे अब राज धर्म निभाने की मांग करने वाली कांग्रेस पार्टी के अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी राजधर्म निभाने की अपील क्यों नहीं कर रहे है? क्या कांग्रेस को भी पता है कि कहा छुपे बैठे हैं मुख्यमंत्री या उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं है अब आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर लगातार जो है सच अभियान जो है जोरों

पूरे सिचुएशन को लेकर झामुमो यानी जेएमएम के जो नेता है मनोज पांडे उनका भी बयान सामने आया है मनोज पांडे जी का क्या कुछ कहना है जरा एक नजर डालिए पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया तानाशाही की पराकाष्ठा एक चुनी हुई सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना आदिवासी होना गुनाह है क्या आप देखें शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था शनिवार बंद रहता है रविवार बंद रहता है सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं आप आ जाए पूछताछ करें खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों ये समझ से परे आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई वो एक मुख्यमंत्री हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं कोई भगोड़ा नहीं कोई तड़ी पार नहीं तब इस तरह की बातें ये झारखंड नहीं झारखंड ही नहीं झारखंडियों का भी अपमान है तमाम आदिवासियों का अपमान है एक क्रांति की ओर ले जाया जा रहा है पूरे झारखंड को आप जाकर गांवों में पूछ लें, आप देखें मिजाज क्या है गांव के लोगों का अभी भाजपा ने कार्यक्रम तय किया है गांव की ओर चलो कहीं गांव के लोग इस अपमान का जो घूंठ कर रह रहे हैं वो जो आक्रोश है कहीं उस अपमान की प्रतिक्रिया तब क्या हाल होगा? ने सुना उन्होंने कहा है कि एक इलेक्टेड सरकार है, एक है ने को किया था, कहा था कि 31 जनवरी को वो उनके सामने पेश होंगे तो ईडी उनतीस जनवरी को क्या करने चली गई क्यों इतना ज्यादा इस तरीके से डेस्पिरेशन वो दिखा रही है यह हमारे बहुत ही प्यारे मुख्यमंत्री है कोई फ्योगिव नहीं है और ये उन लोगों के झारखंड की जनता का इंसल्ट है जो ईडी इस वक्त कर रही है तो ये अपमान से बता रही है लगातार बयानबाजियों का दौर जैसा कि हमने आपको बताया कि देखने के लिए मिल रहा है और इसी के साथ हेमंत सोरेन की अगर आप कहेंगे तलाश जो है जो है है लगातार चल रही है लगातार जो है अब धारा 144 भी लगा दिए गए हैं अपने से सारे। अगर आप कहेंगे एंड जो है सब कुछ देखा जा रहा है सारी चीजें जो है की जा रही है सब कुछ अपने हिसाब से जो है देखने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार जो मिल जाए आपको बता दें कि धारा एक जो है सौ मीटर का जो रेडियस है झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर और साथ ही साथ राजभवन और तकरीबन चौबीस घंटे से ज्यादा समय से अगर आप देखेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता नजर आ रही है लापता है ना उनका फोन ट्रेस किया जा रहा है ना उनका लोकेशन पता चल रहा है और अब तक उन्हें तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा तब तो हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा धन्यवाद